सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारी गवर्नर जनरल से रिलेटेड सेकंड वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर आपके एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और जो है कि हम लोग अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन अपना लेंगे आज की इस क्विज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो बसीन की जो संधि हुई थी अंग्रेज़ों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में 1802 में, उसमें अंग्रेज़ों की जो संरक्षता थी उसको स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले हैं वो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस गवर्नर जनरल के समय में तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पे जो है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में जो है यानी कि 1792 में जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो कर ली थी और इस संधि के अनुसार जो टीपू सुल्तान थे इनको अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि तृतीय आंगल मराठा युद्ध किससे संबंधित है। तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में और इस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसको याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है तृतीय आंगल मराठा युद्ध से संबंधित हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो हमको बताना है कि कौन से जो गवर्नर जनरल थे उनके शासनकाल में आंगल नेपाल युद्ध हुआ था। तो आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1814 से 1816 के बीच में और इस वक्त भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आप ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंगल नेपाल युद्ध हुआ था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। चार ऑप्शन है इसमें, तो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर को ले लिया था कुशासन के आधार पर। अवध का अंग्रेजी राज में विलय लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस नीति से किया गया था, हमको बताना है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुप्रशासन के कारण। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे जो कि 1848 से 1856 तक इनका जो है कार्यकाल था, तो इन्होंने अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उन पर कुशासन का आरोप लगाया और 1856 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी राज में विलय कर दिया अवध का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एग्जाम में एक बार फिर से पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर सातवां है कि सती प्रथा पर पाबंदी किस वर्ष से लगाई गई। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 1829 ईस्वी से। तो जो कि विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था यानी कि जो गवर्नर जनरल थे भारत का, उनके द्वारा 1829 ईस्वी से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। क्वेश्चन आठवां है कि सिंध पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। चार ऑप्शन हैं और इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो। तो एलनबरो के समय में जो सिंध पर जो है अंग्रेजों ने पूर्ण तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, 1843 की घटना है ये। तो आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि सिंध पर जो है ब्रिटिश ने कब कब्जा किया। तो 1843 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किया गया जब जो कि एलनबरो यानी कि लॉर्ड एलनबरो जो कि ऑप्शन बी है हमारा, इनके कार्यकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी ये बिछाई गई थी बम्बई से ठाणे के बीच में। क्वेश्चन नंबर दसवां है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड केनिंग। तो लॉर्ड केनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है क्रियान्वित हुआ था। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड केनिंग ने।
क्वेश्चन नंबर 11 थे कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो लॉर्ड केनिंग जो है वो कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ ये भारत के प्रथम वायसरॉय भी थे। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, हालांकि हम लोग वायसरॉय के बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड मेटकॉप को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसके द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया, तो चार ऑप्शन है इसमें, सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि इसको बोला जाता है रिंग फेंस, तो रिंग फेंस की नीति जो है किससे संबंधित है, तो रिंग फेंस की जो नीति है वो है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये था आज की इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये थे हमारे गवर्नर जनरल से रिलेटेड सेकेंड वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।